हेलो बच्चों, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 जलंधर छावनी के आपके स्कूल के आर्ट स्टूडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपकी आर्ट टीचर पूनम देवी। बच्चों, अभी कोरोना काल में हमारे पास आर्ट करने के लिए बेस खत्म हो गए हैं, हमारे पास ड्राइंग फाइल के पेजेस खत्म हो गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ ड्राइंग करें। अगर हम दीवार पे पेंट करते हैं तो मम्मा मारती है, अगर हम अपने क्रिएटिव माइंड और अपनी नजरों को अपने घर में चारों तरफ दौड़ाएंगे तो हमें कुछ न कुछ बेस तो जरूर मिल जाएगा, जैसे कि मुझे मिल गया है। ये मेरे घर में एक छाता। हाँ, आपके घरों में भी प्लेन छाते होंगे किसी भी कलर्स के। किसी के घर में येलो होगा, ब्लू होगा, मोस्टली सबके घर में ब्लैक होगा। तो आप इस पे भी पेंट कर सकते हैं। वो कैसे, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, छाते पे कलर करने के लिए हमें कौन से कलर चाहिए। बच्चे, सबसे पहली बात, वाटर कलर और पोस्टर कलर आप बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि वो जो आप इस पे यूज करेंगे तो एक ही बारिश में वो सब धुल जाएंगे। आप लोग फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर्स यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह के फैब्रिक कलर्स, एक्रेलिक कलर्स। जो फैब्रिक कलर होते हैं ये एक्रेलिक कलर ही होते हैं, यानी कि जो भी कलर्स आप कपड़े पे कर सकते हो वो आप इस पे कर पाएंगे, क्योंकि वो पानी से किसी भी चीज़ से धुलेंगे नहीं, इस पे सॉलिड हो जाएंगे। इस तरीके के आपके पास कलर्स हैं एक्रेलिक, वो भी यूज कर सकते हो। और आजकल जो न्यू शेड्स चली हैं, नियॉन शेड्स जो चली हैं, वो इस पे ब्लैक छाते पे करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डार्क कलर है और ये बहुत ही शार्प कलर होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं नियॉन कलर्स के साथ इस पे छाते पे पेंट करूंगी। और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कभी पेंट नहीं किया, हम पेंट नहीं कर पाएंगे, हमें ब्रश चलाना नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रोक करने हैं। अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के या प्राइमरी के बच्चे हो, तो आप अपने छाते पे कोई टू कलर्स देके हल्के हल्के राउंड्स भी, डॉट डॉट भी राउंड कहीं कहीं बनाएंगे ना, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगेंगे। एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी अपने छाते पे वर्क करना चाहेंगे वो बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी देखना, मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रोक्स में केवल फ्लावर्स बनाऊंगी, देन पेटल्स, और ये छाता बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इसके लिए मैंने 3 ब्रशेस ले लिए हैं, क्योंकि मैंने 3 कलर्स लिए हैं, क्योंकि मुझे अपने जो ब्रशेस हैं वो बार बार वॉश नहीं करने पड़ेंगे। मेरे पास एक कलर पैलेट है, और एक मेरा छाता है, और एक मैंने रफ कपड़ा लिया है जिसका मुझे बार बार यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अपने ब्रशेस यहाँ पे रख लिए हैं और हम अपना छाता अभी इस पे जो है वो पेंट करने वाले हैं। कम क्लोजर। केवल आपको स्ट्रोक्स में वर्क करना है और बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। कॉन्फिडेंस से आप जो भी बनाएंगे वो बेहद खूबसूरत लगने वाला है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रोक्स बच्चों आपको लगाने हैं। आप किसी दूसरी तरह के फ्लावर्स भी बना सकते हैं जो आपके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन उनके स्ट्रोक्स जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हमें रिपीट करना है, पूरे छाते पे बार बार रिपीट करना है। हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना है जो हम ईजीली बार बार रिपीट कर पाएँ। देखो बच्चों, बन रही है ना बिल्कुल सिंपल स्ट्रोक में, आप देख रहे हो। ये जब पूरा रेडी हो जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, जो आपके दिलो दिमाग में आए वो आपने डिजाइन आगे कंटिन्यू करना है। ये देखो बच्चों, हमारा छाता रेडी हो गया, देख पा रहे हो कैसा लगा। आप भी ऐसा ही इजी इजी और सुंदर सुंदर वर्क करके छाते कंप्लीट कर सकते हो। ये देखो बच्चों, ये एक और छाता है, ये भी साथ के साथ रेडी किया गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से इजी स्ट्रोक्स के साथ कलर्स यूज करके अपने छाते रेडी कीजिए। ठीक है, आपके कलर में, आपके घर में कोई ना कोई डार्क कलर का छाता जरूर होगा, तो उस पर ये लाइट कलर्स लगा के आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। और अगर कोई लाइट कलर का है दूसरे कलर्स में, जैसे लाइट ब्लू है तो उस पर डार्क ब्लू, या फिर एकदम कंट्रास्ट में जैसे व्हाइट कलर, ऐसे यूज करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छा काम है और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप लोग इसको करने वाले हैं। ओके, बाय।